बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट। आज क्लास 10 के लिए लेक्चर है, बहुत अहम है आपके। टिल द एंड ऑफ द वीडियो आप इसे प्लीज वॉच कीजिएगा और डेफिनेटली 4 मार्क्स हैं। बोर्ड पोजीशंस भी आप देख लीजिएगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे तमाम का तमाम मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। और प्लीज इसको लर्निंग प्रोसेस में जरूर लेके आइएगा। लेक्चर नंबर 16 है हमारा, चैप्टर नंबर 2 पे पेज नंबर 38-39 ओपन कीजिए। बोर्ड पोजीशन 5B, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5A जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि 5B के साथ इसका पेयर कंप्लीट होगा। वो 2.6 एक्सरसाइज में भी आ सकता है, मार्क्स जो है वो 4 हो गए। इसमें मैं जो बोर्ड पोजीशंस में है बहुत अहम पार्ट्स हैं वो मैंने आपको डिस्प्ले किए हैं। आइडेंटिकल जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिएगा, बुक ओपन करें, ये बॉटम पे है पेज नंबर 38 पे लिखा है x+3 and x-2 आर द फैक्टर्स। जब फैक्टर्स की बात हो चुकी तो इसका मतलब ये है कि इनका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। किसका? ऑफ द इक्वेशन x³ + 4x² + 2lx + m। तो इसमें दो एक वेरिएबल्स भी आपको आर्बिट्रेरी नजर आ रहे हैं, l और m। उसमें l और m को आपने फाइंड आउट करना है ताकि ये प्रोसेस या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले सॉल्यूशंस डेफिनेटली वो लिखा करें, बाद का मैं नहीं लिखता यहां, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अब आपने x प्लस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -3, ये पहला 0 आ गया। सेकंड है x-2, लीनियर को आपने 0 करना है। स्टेप 1 में x को फिक्स कर दीजिएगा, 0 पॉलीनोमियल्स है, यहां 2 आ गया, प्लस 3 यानी कि -3 और -2, x की वैल्यू 2 आ गई। आप सिंथेटिक डायग्राम्स में लेके आए इसको, दिस वन प्रीवियस वीडियोस को जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली तौर पर मैंने आपको बताया है कि इसको किस तरह आपने सिंथेटिकली करना है। लेकिन आज भी मेरी कोशिश होगी कि जैसे कि फर्स्ट लेक्चर हो मैं वैसे ही ट्रीट करूं। x³, x² x and without x, इट इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल, दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द सिंथेटिक डिवीजन। और सेकंड, x³ का कोफिशिएंट आपने लिखना है, दैट इज अ 1, आपने यहां 1 लिख लें। फिर आ जाए x² के कोफिशिएंट, दैट इज अ +4 यानी कि 4 लिख लें। फिर x का कोफिशिएंट है, दैट इज अ 2l, अगर इन केस के यहां x ना होता तो यहां आप 0 लिखते, वो मैंने क्लास पार्ट लिखा हुआ है उसको जरूर आपने देखना है, 2l। एंड लास्ट इज अ m, ये आपने लिख लेना है। यानी कि वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका आपने एक सीक्वेंस यहां लिख लेना है, लेकिन वेरिएबल इन केस अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद नहीं है तो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद आपने इनके कांस्टेंट्स को इनके कोफिशिएंट्स को लिखना है और लास्ट कांस्टेंट यहां मौजूद है। अब आ जाए वन बाय वन रूट्स पे आपने इसको सिंथेटिकली सॉल्व करना है। पहला आप देखिएगा -3 है, यहां -3 लिख दें, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप 2 पहले लिख लें, -3 लिखा, 1 को वैसे के वैसे आपने लिख लें। क्रॉस यानी कि क्रॉस जब आप जाएंगे तो एक कट लगाएं, दैट इज अ मल्टीप्लाई, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज अ -3। स्टेट यानी कि स्टेट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दैट इज अ एडिशन, आप इनको ऐड करें, 4-1, दैट इज अ 1। फिर क्रॉस यानी कि क्रॉस और प्लस क्रॉस प्लस क्रॉस प्लस टिल द एंड ऑफ द कांस्टेंट, आपने ये काम करते रहना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज अ -3। अनलाइक टर्म्स हैं इनको ऐड नहीं करना, 2l-3 यानी कि एडिशंस में ये नहीं होगा कि आप 2l और -3 को -l लिख लीजिएगा, ये अनलाइक टर्म्स हैं। फिर आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2l, दैट इज अ -6l, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, दैट इज अ +9,
अब आप इनको ऐड कर लें, m माइनस सिक्स एल प्लस नाइन, और इसको आप एज अ रिमाइंडर साइड पे कर लीजिए। ये तो आ गया फर्स्ट सिंथेटिकली, आपने फर्स्ट रूट के साथ आपने कर लिया। अब आप सेकंड रूट के देखें, कई आपको मैथमेटिशियन ये कहेंगे इसे नंबर वन दे दें, फिर स्टार्ट करेंगे कि आप टू से करें, कोई जरूरत नहीं है आपने इतने लंबे चौड़े प्रोसेस को करने के, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। इसी सिंथेटिकली में इसको आपने फेस को इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, अगेन वही प्रोसेस आपने शुरू करना है। अब इस दफा आपने टू यहां लिखे, ये टू फर्स्ट वैसे के वैसे एलिमेंट आप लिख लें जैसे आपने यहां लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई टू वन द टू एट डेट्स ए थ्री, अगेन मल्टीप्लाई बाय थ्री टू द सिक्स, जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा टू एल माइनस थ्री प्लस सिक्स डेट्स ए प्लस थ्री। अब क्योंकि वहां आप फिक्स कर चुके हैं, वो रिमाइंडर के तौर पर हमने सेपरेट कर दिया, वहां तक नहीं आपने जाना, इसको यहीं स्टॉप करके इसको रिमाइंडर्स मिलेगा। यहां तक आप पहुंच गए, क्या किया आपने, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की, उनको जीरो पॉलिनोमियल्स बनाए, जीरो पॉलिनोमियल बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि x plus 3 and x minus 2 are the factors। अब जो ये दोनों चीजें रह गई हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं तो लिहाजा रिमाइंडर जीरो होने चाहिए। यहां आप लिखें गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में क्या है, वन बाय वन आपने इनके रिमाइंडर जीरो करने हैं, टू एल प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड एम माइनस सिक्स एल प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। ये गिवन कंडीशन दैट मीन अ फैक्टर, यहां एल की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा, नाउ एल इक्वल टू माइनस थ्री अवर टू, माइनस थ्री राइट साइड पे और टू को आपने डिवाइड में कर लीजिएगा, ये एल आ गया। पुट एल इक्वल टू माइनस थ्री अवर टू, यहां आप एल की वैल्यू फिट कर दीजिएगा, नाउ एम माइनस सिक्स माइनस थ्री अवर टू प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, एम एज इट माइनस माइनस सिक्स सिक्स, एल को रिप्लेस कर दिया, फिक्स कर दिया, माइनस थ्री अवर टू प्लस नाइन, टू वन द टू टू थ्री द सिक्स, नाउ एम माइनस माइनस प्लस नाइन प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, एम प्लस एटीन इक्वल टू जीरो, नाउ एम इक्वल टू माइनस 18, यानी कि प्लस 9, और आप राइट साइड पे लेके उसे साइन चेंज कर दें। देखिए कितना आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं, तो 4 मार्क्स हैं। आपने फर्स्ट स्टेप में इसे, मैं स्टेप वाइज अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट स्टेप में आपने इनके जीरोस निकाल लिए, सेकंड स्टेप में सिमल्टेनियसली आपने दोनों रूट जो हैं या दोनों जीरोस को आपने सिंथेटिकली इसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लायर और स्ट्रेट जो है वो ऐड करते हुए अपने रिमाइंडर्स को जीरो कर दीजिएगा और एल और एम को फाइंड आउट कीजिए। यही स्ट्रेटेजी, यही प्लानिंग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड। नाउ 3 इज द रूट। अब उन्होंने कहा कि आपने सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब है जितनी भी रूट्स आ रही हैं आपने वो फाइंड आउट करनी है। सिंथेटिकली आप देखें सॉल्यूशंस में आ जाए, फर्स्ट इनके कोफिशिएंट लिखें, दैट्स अ 2 माइनस 3, क्योंकि आप पहले नोट कर चुके हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फिर x में माइनस 11 और कांस्टेंट है 6, x क्यूब x के कोफिशिएंट x का माइनस 11 और कांस्टेंट 6, रूट जो है वो 3 है, यहां आपने 3 लिखा। देखिए वो ग्रीक से कभी वो रूट कह रहे हैं, कभी जीरो पॉलिनोमियल्स कह रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक ही चीज के दो नाम है, और कोई x plus 3 इज द फैक्टर है, वहां x आपने फाइंड आउट करना होता है। आगे वही स्टेप, फर्स्ट आपने 2 लिख लिया,
क्रॉस 3 टू द 6, फिर आप इनको ऐड कर लीजिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, अगेन आपने स्ट्रेट ऐड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, स्ट्रेट ऐड करें, 0। अब यहां आपके लिए मैं एक बात बताता चलूं, चूंकि उन्होंने रूट कहा है तो लास्ट यानी कि रिमाइंडर जो है वो लाजमन 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पीछे गड़बड़ जरूर की है, यहां आपने इसे आप स्टॉप कर दीजिएगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है अब वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप दोबारा इसका क्वेश्चन लिखना चाहें तो जितनी दफा आपने सिंथेटिक आपने यूज किया है उतनी दफा जो है आपने उसकी पावर्स को या उसकी डिग्री को कम कर देना है। अब देखें यहां एक्स पावर 3 है यानी कि एक्स 3 डिग्री पॉलिनोमियल होल्ड है, उस होल्ड करती है। तो इसमें अब आप जो क्वेश्चन लिखेंगे वो है 2, एक पावर कम कर दीजिएगा 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर मैं ये बात बता रहा हूं क्योंकि सॉल्व करना है, बाकी दो रूट जितनी इसकी डिग्री है उतनी ही रूट्स निकलेंगी, एक रूट तो 3 है, 2 रूट आपने फाइंड आउट करनी है। सिंथेटिक करने के बाद आपकी डिग्री यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री एक कम कर लें, कम करने के बाद अब आप इसको एज अ मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, इसके फैक्टर्स बना लें, इनके फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आ जाएं, या इसके क्वाड्रेटिक में चले जाएं, फैक्टर व क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में, क्योंकि 2 to the 4 ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ब्रीफ की है। 4 के आपने फैक्टर इस तरह बना ले हैं कि 3 है, 4 डेट इज अ 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसके अगर आप फैक्टर बनाएं एक है 1 और एक आ गया 4। अब आपने साइन क्या करना है, प्लस है, इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो प्लस एंड दिस वन इज अ माइनस। दिस मेथड इज सेड टू बी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाउ 2x² इसे स्प्लिट कर दिया माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब टाइप है कि इसके पेयर बनाइएगा, फर्स्ट पेयर एक्स कॉमन 2x माइनस 1 एंड सेकंड पेयर में 2 कॉमन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स 2x माइनस 1 आर कॉमन। नाउ x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीपल या प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों को 1/1 करके आप 0 करें, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2, जो कि क्लास 10 में है कि आप स्टेप जो है वो इसे मिनिमाइज भी करते हैं, कर सकते हैं, माइनस 1 प्लस और 2 को डिवाइड कर दें। नाउ x इक्वल टू माइनस 2, सेकेंड रूट एंड थर्ड रूट। आखिर में आप सॉल्यूशन सेट में तीनों रूट्स को इकट्ठा लिख लें, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट्स अ सॉल्यूशन सेट, दैट्स अ 3 1/2 एंड माइनस 2। सेकेंड प्रोसेस को गौर से देखिएगा, फिर हम लास्ट पे चलते हैं। यस 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 फिफ्थ पार्ट सेकेंड। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद है, बिल्कुल फौरन यहां अभी ये बाद में मैं सिखाऊंगा, पहले लाइक कीजिएगा और प्लीज इसको शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, बहुत जरूरी है। कमेंट्स बहुत अच्छे दिया करें, बुरे भी हैं तो प्लीज उसको क्रिटिसाइज करते हुए इसे मैं पॉजिटिवली जो है वो मैं जरूर उसको लूंगा और उसके जो कमेंट्स हैं आपके उसको मैं जरूर जो अप्रिशिएट भी करूंगा और प्रॉब्लम जो है वो आपके आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया। अब यहां आ रहे इतना खूबसूरत ये पॉलिनोमियल है x4 डिग्री ऑफ 4 माइनस 10x² प्लस 9 20। इसमें आप सिंथेटिकली करें, 2 रूट्स उसने दे दी है, एक 1 है और एक 3 है, क्योंकि पावर 4 है तो इसका मतलब टोटल जो x की वैल्यू निकलेगी वो 4 निकलेगी, 2 अब आपने निकालनी है। नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन में है कोफिशिएंट x4 1। अब x क्यूब की तरफ जाना है
या एक्स क्यूब, ओह यहां तो एक्स क्यूब है ही नहीं। अगर एक्स क्यूब नहीं है तो आपने प्लीज उसकी पोजीशन जरूर लिखनी है, दैट्स अ जीरो। एक्स स्क्वायर में आए माइनस टेन, अब फिर देखें एक्स मौजूद नहीं है, फिर एक्स की पोजीशन पे जरूर लिखें, दैट्स अ जीरो। एंड लास्ट वन इज अ कांस्टेंट, दिस वन इज अ नाइन। देख लें ये ऐसा पार्ट है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डिस्टर्ब करेगा। एक्स क्यूब मौजूद नहीं, एक्स मौजूद नहीं है, उनकी दोनों की पोजीशंस पे आपने उनके कोफिशिएंट जो है वो जीरो लगाने हैं। अब बाकी मरहला वही, पहले आप वन लगाएं, ये वन लिखें फर्स्ट, वैसे के वैसे वन मल्टीप्लाई बाय वन, दैट्स अ वन, इनको ऐड कर लीजिएगा, अगेन अ वन, मल्टीप्लाई कीजिएगा वन, वन की गेम खेलते जाए, ऐड कीजिएगा, दैट्स अ माइनस नाइन। याद रखें चलता जा रहा हूं मैं जब तक कि मैं लास्ट टर्म तक ना पहुंच जाऊं, और चूंकि ये रूट्स हैं रिमाइंडर लास्ट मंथ जीरो आएगा, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। फिर वन मल्टीप्लाई बाय माइनस नाइन, फिर आप ऐड करें वन मल्टीप्लाई अगेन माइनस नाइन, फिर इनको ऐड करें, एंड दिस वन इज अ जीरो, एंड दिस वन इज अ पॉजिटिव साइन कि आप जो पार्ट कर रहे हैं वो सही है। अब इसी पे सेकंड रूट को भी ले जाएं, सेकंड रूट है हमारी थ्री, इसी प्रोसेस को दोहराएं जो हम बार बार कर चुके हैं, वन क्रॉस मल्टीप्लाई एट वन प्लस थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर, ट्वेल्व माइनस नाइन, यानी कि ऐड करते हुए चूंकि साइन को जरूर देखना है, थ्री प्लस थ्री नाइन, चूंकि ये फिर रूट है, फिर लास्ट है, अब आखिर में नहीं जाना उसे, मैं रेड मार्किंग कर चुका, इसे ऐड कीजिएगा, दैट्स अ जीरो, और इसे ब्लॉक कर दीजिएगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन टर्म आई, जो पॉलिनोमियल्स है वो वन, उसके जो कोफिशिएंट्स है वो वन है, फोर है और थ्री है। अभी खत्म नहीं हुआ ये काम। अब आप देखें कि एक्स तो मजीद दो वैल्यू चाहिए हमें, यहां एक्स की डिग्री फोर है, तो दो दफा मैंने सिंथेटिक यूज किया, इसका मतलब है एक्स की पावर जो है अब टू टाइम कम होगी, फोर के टू टाइम अगर आप डिक्रीज करें तो एक्स स्क्वायर बनता है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। मिडल टर्म फिर वही जैसे कि प्रीवियस हमने किया, थ्री वन दा थ्री, अब आपने इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है, तो चूंकि सारे पॉजिटिव हैं, थ्री वन दा थ्री, एक आ गया वन इंटू एक्स और एक आ गया थ्री, क्योंकि साइन के लिए कोई नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इन दोनों को प्लस करें, फोर आता, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लास्ट टर्म्स और ए, यानी कि एसी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। पेयर एक्स कॉमन, एक्स प्लस वन प्लस थ्री कॉमन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन लीनियर और एक लीनियर, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन, पहली रूट वन, दूसरी थ्री और थर्ड माइनस वन। अब वो देखिएगा, और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, नाउ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, दैट्स अ फोर्थ रूट। देखें वैल्यू है वन माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट वन, फोर पार्ट टू और फिफ्थ पार्ट टू, डेफिनेटली आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आइडेंटिकल पार्ट जो है आप करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, मेरे लिए बहुत जरूरी है। स्टे इन टच, अल्लाह हाफिज़।